हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का रेसिपी हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा दमदार चिकन का रेसिपी। वो है हैदराबादी स्टाइल दम का मुर्ग, जिसमें बहुत ज्यादा दम है। आपका खाने में दम होना हो, ये रेसिपी में बहुत ज्यादा दम है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग ब्यूटीफुल अमेजिंग एंड ओए होए होए दम का मुर्ग रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है चिकन करी कट विद बोन वाला, और उसमें डालेंगे स्पाइसेस। खूब सारा स्पाइसेस है इस रेसिपी में, सो एक एक करके डालूंगा मैं। थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, क्लोव्स, स्मॉल कार्डमम, शाही जीरा, सॉल्ट, प्लेन कर्ड, सम मिंट लीव्स, सम कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज। सो जनरली ये रेसिपी जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट स्पाइसी इट्स अप टू यू, बट आई पर्सनली प्रेफर मीडियम स्पाइसी। सो बहुत सारा स्पाइसेस भी है इसमें, सो आई डोंट प्रेफर दिस रेसिपी टू बी वेरी स्पाइसी, बिकॉज एक तो आपका चिली है, एक तो आपका ग्रीन चिली है, उसके साथ में रेड चिली पाउडर भी है। सो मेक इट लाइक वेल बैलेंस्ड, इसीलिए योगर्ट डाला मैंने। सो इसको कर लेंगे चॉप, डाल देंगे इसके अंदर एक लाइम का जूस, सो इस मैरिनेशन के साथ आई बी एडिंग सम फ्राइड अनियंस, और उसके साथ साथ आई मेक अ पेस्ट ऑफ कैश्यू नट, आमंड मिल्क एंड कोकोनट। तो उसको सबसे पहले अनियन को स्लाइस कर लेते हैं, फाइन स्लाइस करना है क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है ब्राउन अनियन करके। व्हेनेवर यू आर कटिंग अनियन, मेक श्योर इट्स वेरी फाइन एंड थिन, ताकि फ्राई करने के टाइम में इट गेट्स इजी फॉर यू। सो दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज द अनियन, दिस इज हाउ वी नीड। तो आई विल टेक 4 पीसेस ऑफ अनियन इन दिस। ऑनियंस रेडी, उसको करेंगे हम फ्राई। सो अभी आमंड, कैश्यू नट, कोकोनट का करेंगे पेस्ट, थोड़ा सा उसमें डालेंगे मिल्क भी। सो कोकोनट जो है डेसिकेटेड कोकोनट, इफ यू वांट टू यूज ड्राई कोकोनट यू कैन यूज दैट एज वेल। इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, तो इसी को करेंगे पेस्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, ये विल गिव अ वेरी नाइस नटी फ्लेवर टू दैट ग्रेवी, और इसमें से एक ब्यूटीफुल बॉडी आएगा। इसके साथ में मैं ऐड करूंगा ब्राउन अनियन, तो उसके लिए अनियन ब्राउन करना बहुत जरूरी है। लेट्स स्विच दिस ऑन। तो इसमें मैं डाल दूंगा काफी सारा तेल, क्योंकि ब्राउन अनियन करने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा तेल। जैसे आपका वो अप्रेजल के बाद कम इंक्रीमेंट के बाद दिमाग गर्म हो जाता है, उतना ही तेल गर्म कीजिए। तेल गर्म होते ही उसमें डाल देंगे अनियन,
सेकेंड्स इसमें अच्छे से फ्राई करना है। पूरा जो अनियन है ये गया इसके अंदर। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है इसको फ्राई करना है, ब्राउन करना है, और उसके बाद इसको इसी के साथ ब्लेंड करना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि व्हेनेवर यू मेकिंग दिस फ्राइड अनियंस बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि ये जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, उसको अच्छे से ऊपर नीचे आगे पीछे करके मिक्स करना होता है। सो मेक श्योर यू कुक इट नाइसली। प्रेप करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो रेसिपी है दिस विल टेक वेरी वेरी लेस टाइम। और तो और ये मैरिनेशन करने के बाद इट्स ऑलवेज नाइस इफ़ यू कीप दिस ओवरनाइट, इफ़ यू कैन कीप दिस फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours, ताकि वो मीट के अंदर वो फ्लेवर मसाला सब कुछ मिल जुल के दिस इज गोना बी ब्यूटीफुल। प्याज का रंग बहुत प्यारा आ चुका है, गोल्डन गोल्डन हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है, बस और 30 सेकंड फिर ये हो जाएगा रेडी। मैंने ऑलरेडी एक बर्तन और स्ट्रेनर रखा है ताकि ये रेडी होते ही मैं पलट सकूं। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये हो गया रेडी, फ्लेम कर रहा हूँ मैं ऑफ, और ये जाएगा सीधा इसके अंदर। सो ये जो अनियन है बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्पी हो चुका है, कलर प्यारा ब्राउन हो चुका है, और इसको हम डालेंगे इसी के अंदर, इसीलिए तो इतना देर से मैं रुका हुआ था। इसको खोल के जब इसको ब्लेंड करेगा मेक श्योर यू डोंट मेक इट वेरी फाइन, इट शुड बी स्लाइटली रफ बिकॉज ग्रेवी का टेक्सचर उसी हिसाब से आएगा। को डाल देंगे इसके अंदर, स्मॉल इनफ। और अभी इसको करना है ब्लेंड, इसको लगाते हैं। सो इसको जब भी ब्लेंड कीजिएगा मेक श्योर यू कीप इट लिटिल रफ, ज्यादा फाइन नहीं होगा। और ये हो गया रेडी। ये मसाला जा रहा है इसके अंदर, चलेगा। इसमें डालेंगे खूब सारा घी, सारा घी। अब इसको मसाज करना है, सो अच्छे से ऊपर नीचे करके इसको करना है मिक्स। ये मैरिनेशन के बाद इट्स ऑलवेज नाइस एज आई मेंशन्ड, इट्स गुड टू कीप इट फॉर ओवरनाइट, यू कैन कीप इट फॉर 3-4 hours ऑल्सो, ताकि वो मीट के अंदर मसाला फ्लेवर सब कुछ आ जाए। और फिर ब्रेक के बाद हम करते हैं इसका कुकिंग। सम जिंजर गार्लिक पेस्ट इन दिस, कर लेंगे अच्छे से मिक्स। चिकन को मिल गया रेस्ट, तो अभी चिकन विल टेस्ट बेटर। पैन को कर दिया गरम, तो करीब करीब हाफ एन आवर मैंने रखा है मैरिनेट करने के बाद, और इसी को ऐड करूंगा मैं पैन के अंदर। ये खुशबू जो है ना अभी से ही बेहतरीन आ रहा है, को रख देंगे स्लो हीट पे। ट्रेडिशनली जब दम का मुर्ग पकाया जाता है उसको एक आयरन पैन के ऊपर या प्लेट के ऊपर रख के फिर एक कंटेनर में मैरिनेशन करा हुआ मीट डाल के पकाया जाता है, बट एज यू कुकिंग दिस एट होम इट्स बेटर। यू कुक ऑन गैस और एनीथिंग, यू कैन कुक इट द सिमिलर वे में,
नहीं तो यू कैन कुक इट लाइक ऑन एन इंडक्शन, जैसे मैं पका रहा हूँ, ऐसे भी स्लो हीट में आप छोड़ सकते हो। सो 5 मिनट हो चुका है और इसको मैं अभी कवर कर दूंगा और इसको रख देंगे स्लो हीट पे। सो इसको रखेंगे करीब 10 मिनट और फिर आके चेक करके देखेंगे कि चिकन कैसे रेडी हुआ। मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। फाइनली समय आ गया इसको खोलने का और ये समय इज सुपर एक्साइटिंग बिकॉज चिकन हो गया तैयार। ब्यूटीफुल सा फ्लेवर आ रहा है अंदर से। इसको खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा हुआ आज का ब्यूटीफुल अमेजिंग एंड ओए होए 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 दम का मुल्क। ओ लुक एट द कलर, दिस इज मतलब फ्लेवर में मोहब्बत है, हल्का सा कोरिएंडर का फ्लेवर है, उसके साथ साथ मसाला दही सब मिलके दिस इज लुकिंग ऑसम। और मेरा मन तो कर रहा है अभी टेस्ट करो इसको, टेस्ट तो जरूर करेंगे। ये समय आ गया चिकन टेस्ट करने का, दिस इज लुकिंग ऑसम। मैं पहले ही बोला था ग्रेवी जो है ना इसका वो स्पेशलिटी है, क्योंकि आप इसको मैरिनेट करने के बाद अब जस्ट एक बार में ही पकाते हो और एज यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द ग्रेवी इज हल्का सा रफ भी है, नटी भी है। इसको टेस्ट करते हैं फटाफट, थोड़ा सा चिकन का पीस लेते हैं इसके साथ में से, ले रहा चिकन का पीस ग्रेवी के साथ। फर्स्ट बाइट, जो ग्रेवी है ना कोकोनट आमंड कैशूनट फिर मिल्क डाल के फिर ब्राउन अनियन डाल के जो टेक्सचर आया दिस इज ब्यूटीफुल। और उसके साथ इतना सारा स्पाइसेस है, दही है, सब मिला के दिस इज टेस्टिंग सुपर गुड। यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड इफ यू लव टुडेज वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। इफ यू डिडंट लाइक स्टिल यू सपोज टू लाइक एंड शेयर बिकॉज काफी एफर्ट डाल के मैं वीडियो बनाया। Keep watching, keep supporting. Do take care and don't forget to hit the follow button of the page or I see mazedar and oye hoye hoye videos ke liye. Keep watching. Cheers.